हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्लाजो पेंट। तो मैं आप सभी को प्लाजो पेंट की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ हमने क्या मेज़रमेंट लिया है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारा प्लाजो का कपड़ा है। प्लाजो के कपड़े को हमें चार फोल्ड करके रखना है, फोर फोल्ड करके। यहाँ पर टोटल हमारा चार पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड किस तरह से किया है। तो जितना हमारा हिप है उसमें हम कुछ प्लस करते हैं, यानी हमारा कुछ मेजरमेंट होता है, उस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कितना हमारा हिप आएगा, यानी थाई आएगा, और उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो कपड़ा हमारा साइड से बच जाता है, यानी हमारा कपड़ा बेकार नहीं जाता है। अब देखिए ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे उस कॉर्नर से 2.5 इंच पे। तो ये हमारा इलास्टिक के लिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आप चाहे तो आप डोरी बना सकते हो, अगर आप नाड़ा लगाना चाहते हो तो नाड़ा भी लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पर इलास्टिक लगाऊंगी इसलिए मैंने 2.5 इंच लिया है। और अब उसी निशान से हम लगाएंगे लेंथ का निशान। तो आपका जितना भी लेंथ है आप उस हिसाब से निशान को लगाइएगा। तो मेरे मेजरमेंट में लेंथ है 34 इंच, 34 इंच। तो मैं 34 इंच पे निशान को लगाऊंगी और बराबर में निशान को इस तरह से हम मिला देंगे। और नीचे से देखिए हम 1 इंच फोल्ड के लिए कपड़ा रखेंगे, यानी हमारा जो मोहरी है वो 1 इंच फोल्ड करेंगे उसके लिए। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं फोल्ड करने के लिए। तो मेरा कपड़ा छोटा है इसलिए मैं 1 इंच ही रखूँगी नीचे मोहरी को फोल्ड करने के लिए। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर है हमारे मेजरमेंट में 32 इंच, 32 इंच। तो मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ किस तरह से मेज़रमेंट लेना है। जितना भी कमर है उसका 1/4 लेना है, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच, 8 इंच। 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 8 इंच के इस तरफ हम निशान लगाएंगे कम से कम 3 इंच पर। ये 3 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो ये कपड़ा जो हमारा है ये सिकुड़ जाता है, यानी गैदर्स इसमें आ जाता है, तो कमर हमारा अच्छे से बराबर में बैठ जाता है। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा किसी भी मेज़रमेंट में एक्स्ट्रा हमें कम से कम 3 इंच लेना है। आपका कोई भी साइज हो आप 1/4 लीजिएगा और उसमें 3 इंच प्लस कर लीजिएगा। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। तो देखिए यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हमारे मेजरमेंट में हिप है 34 इंच, तो 34 का हम 1/4 करेंगे, 34 का हम 1/4 करेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंच। और उसी निशान से नीचे की ओर हम और एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। तो टोटल हमारा आया 11 इंच, यानी जितना भी हिप है उसका 1/4 लेना है, यानी 4 से डिवाइड करना है, और उसमें कम से कम हम 2.5 इंच, 2.5 इंच प्लस करेंगे और निशान को हम इस तरह से बराबर में मिला देंगे। अब देखिए अब हम थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई मेरे मेजरमेंट में 12 इंच है, तो मैं 12 इंच पे निशान लगा लूँगी इस तरह से। और 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे थोड़ा लूजिंग के लिए। तो इस तरह से देखिए 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। और अब देखिए अब हम नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो जितना हमने थाई के लिए ऊपर निशान लगाया है, तो 12.5 इंच, 12 इंच हमने रखा था और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लिया है, तो 12.5 आया। तो जितना हमने थाई के लिए निशान लगाया है उतना ही हम मोहरी के लिए भी निशान को लगाएंगे। ज़्यादातर हमारा थाई जितना होता है उतना ही हमारा मोहरी भी होता है। अब देखिए अब कर्व शेप से हम इसे शेप दे देंगे। तो कॉर्नर से बिल्कुल मिलाते हुए हम नीचे के तरफ बॉटम के तरफ निशान को अच्छे से मिला लिए हैं। अब अगर किसी किसी को होता है मोहरी थोड़ा कम करने के लिए, यानी गोलाई नीचे का कम करने के लिए, तो आप जैसे मैंने 10 इंच पर निशान लगाया गोलाई पर और ऊपर कर्व शेप बिल्कुल निशान पर रखते हुए हम इस तरह से कॉर्नर को बिल्कुल राउंड में मिला देंगे। यानी हमें छेड़छाड़ हमारे थाई वाले हिस्से पे नहीं करना है, बस हमें थाई वाले हिस्से से कर्व शेप को रखना है और डायरेक्ट हमें मोहरी वाले निशान पे निशान को मिला देना है। अब हम हिप के तरफ कर्व का शेप देंगे। तो देखिए ये कर्व का शेप हमें किस तरह से देना है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत लोगों का ये दिक्कत होता है, जो हमारा आसन है पीछे की तरफ ऊपर उठ जाता है, तो इसलिए हम इसके एक सोल्यूशन है, हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। ये जो हमने कर्व का शेप दिया है बिल्कुल इस कॉर्नर से हमने 2 इंच पे निशान लगाया है और निशान को बिल्कुल ऊपर की ओर हम मिला देंगे इस तरह से तिरछे में। तो तिरछे में देखिए निशान को हमने मिला दिया है और यहाँ से कॉर्नर पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और बिल्कुल अच्छे से कर्व का शेप देंगे। अगर कर्व का शेप हमारा बिल्कुल गहराई से अच्छे से होता है तो हमारा ये पैंट प्लाजो का ऊपर की ओर नहीं खींचता है बिल्कुल।
और इसका फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से आता है। तो यहाँ पर देखिए सारे मेजरमेंट हमने अच्छे से आपको बता दिया है, तो मैं और एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर हमने 2 इंच पे निशान को लगाया है कॉर्नर पे, और 2 इंच के निशान को ऊपर तक हमने मिला दिया है, और कर्व का शेप हमने 1 इंच पे दिया है। तो देखिए, और ये नीचे से 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और ऊपर से इस तरह से हमारा 2.5 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल लेंथ। तो चलिए अब इस पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो एज इट इज़ हम इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग भी कर लिया है। अब इसको स्टिचिंग किस तरह से करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले प्लाजो वाले पेंट को पहले अच्छे से बराबर में इसे इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है। बराबर में अच्छे से पहले इस तरह से रख लेंगे। अब देखिए दोनों का राइट साइड ऊपर की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले को उठाएंगे इस तरह से, और नीचे वाले पल्ले का राइट साइड जो हमारा सीधी वाली साइड है ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे, और दूसरे पल्ले का सीधी वाली तरफ नीचे की ओर करते हुए रखेंगे। यानी दोनों पल्ले का सीधी वाली तरफ एक दूसरे के ओर मुंह करते हुए रखना है। दोनों का फ्रंट पार्ट एक दूसरे के सामने मैंने करके रख दिया है। अब आसन को सिलाई किस तरह से करना है, तो एक तरफ से हमें पूरा आसन को इस तरह से सिलना है, और दूसरे आसन को हम यहाँ तक सिलाई करेंगे, यानी 2.5 इंच ऊपर की ओर हम छोड़ देंगे। तो ये 2.5 इंच छोड़ते हुए बस इतना ही तक हमें सिलाई करना है इस तरह से, क्योंकि ऊपर हमारा इलास्टिक के लिए जगह छोड़ना होगा इसीलिए। तो देखिए मैंने दोनों आसन को सिलाई कर लिया है। ये देखिए दोनों आसन का स्टिचिंग हमने कर लिया है। अब देखिए अब दोनों पल्ले को हमें इस तरह से खोलना है। दोनों आसन का मुंह एक दूसरे के सामने करते हुए रखेंगे, बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए। तो इस तरह से देखिए रखना है। तो अब हम ऊपर की तरफ अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी फिलहाल हम बॉटम को सिलाई करेंगे। तो मोहरी को देखिए किस तरह से सिलना है। अगर आप 1 इंच ले रहे हैं मार्जिन नीचे मोहरी सिलने के लिए, तो आप इस तरह से डबल फोल्ड कीजिएगा। तो इस तरह से पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और फिर और एक फोल्ड करेंगे 1/2 इंच तक। तो इस तरह से पूरे गोलाई में 1/2 इंच यानी 1 इंच का फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे पूरे गोलाई में। इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी सिलाई करना है। अगर आप 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं तो आप 1/1 इंच का फोल्ड कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैं दोनों पल्ले को सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए मैं दोनों पल्ले को नीचे के मोहरी को मैंने सिलाई कर लिया है। तो देखिए दोनों पल्ले का मोहरी का मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पल्ले को अच्छे से बराबर में मिलाएंगे इस तरह से। बराबर में अच्छे से मिलाते हुए अब हम इसका स्टिचिंग करेंगे दोनों पल्ले को। तो इस कॉर्नर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई को करते हुए दूसरे कॉर्नर से बाहर निकाल देंगे सिलाई को। और ध्यान रहे ये जो हमारा आसन का जॉइंट है ये बिल्कुल बराबर सेंटर पे होना चाहिए, यानी ये आड़ी टेढ़ी में नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सेंटर पे बराबर पे होनी चाहिए। और इस तरह से सिलाई को बिल्कुल सेंटर पे करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पूरे पल्ले को सिलाई कर लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ, और याद रहे ये सेंटर पे बिल्कुल आसन को रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों पल्ले को सिलाई कर लिया है, और ये जॉइंट देखिए बिल्कुल सेंटर पे आया है। तो इस तरह से सिलाई करना है। और अब देखिए अब हम कमर पे इलास्टिक लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम कमर को इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे, और पहले हम क्या करेंगे 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में पहले सिलाई करेंगे। तो इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है, नहीं तो हमारा जब फोल्ड करते हैं सिलाई करते हुए तो उसमें हमारे चुन्नट पड़ जाते हैं, तो वो सिलाई अच्छे से नहीं बैठता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं 1/2 इंच इस तरह से अगर फोल्ड कर लेते हैं पहले, तो हमारा इलास्टिक लगाते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से पहले हम पूरे गोलाई में 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है। अब जो हमारा ये 2.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो 1/2 इंच हमारा चला गया ऊपर फोल्ड होने में। अब जो हमारा ये 2 इंच का मार्जिन है, यानी 2 इंच जो हमारा ये बचा है सेंटर का सिलाई, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और ये देखिए इलास्टिक बिल्कुल बराबर में आ रहा है दोनों तरफ से कम थोड़ा थोड़ा जगह होना चाहिए इलास्टिक को अंदर डालने के लिए। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, और बिल्कुल गोलाई में हम धीरे धीरे करते हुए सिलाई कर लेंगे। और इस तरफ कॉर्नर पे देखिए हम अच्छे से इसे बराबर में फोल्ड करेंगे, और एक ऊपर एक इस तरह से हम पल्ले को रखते हुए सिलाई करेंगे। तो देखिए कोई इसमें झोल नहीं आया है, कोई इसमें चुन्नट नहीं आया है, बिल्कुल बहुत परफेक्ट तरीका से ये सिलाई हुआ है। और अब हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो इलास्टिक किस तरह से लेना है,
तो देखिए जितना भी आपका कमर है उससे कम से कम 2 इंच आपको कम लेना है इलास्टिक को, यानी कमर जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 32 इंच, तो उसमें मैं 2 इंच कम करूँगी तो आएगा 30 इंच, पर मैं इसमें 4 इंच कम करूँगी क्योंकि ये जिनका प्लाजो है वो कमर टाइट पहनना पसंद करती है, इसलिए मैं इसमें 4 इंच कम कर दूँगी यानी 4 इंच। तो आप 2 से 3 इंच ही कम रखिएगा, नहीं तो बहुत टाइट हो जाएगा। तो देखिए ये लगभग 32 इंच है, यानी आपका जितना भी कमर है उसमें 2 से 3 इंच आपको इलास्टिक को कम रखना है, क्योंकि इलास्टिक हमारा स्ट्रेचेबल होता है, वो पहनने के बाद इजीली हमारे कमर में फिट हो जाता है। तो देखिए मैंने 28 इंच पे इसे कट कर लिया है। अब देखिए अब हम इलास्टिक को पहले एक पिन से इसे सिक्योर कर देंगे, और जो ये हमने बीच सेंटर पे जो हमने ये खाली हिस्सा थोड़ा सा छोड़ा था इसके अंदर से बिल्कुल हम इलास्टिक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे। करते हुए इलास्टिक को अच्छे से इंसर्ट कर लेंगे और दूसरे तरफ से हम इस तरह से इलास्टिक को बाहर को निकाल देंगे। तो देखिए इलास्टिक को हमने अच्छे से डाल दिया है। अब दोनों इलास्टिक को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिलाई करके हम इसे जॉइंट कर लेंगे। तो मैं इस सिलाई करके आपको दिखाती हूँ, 4 से 5 सिलाई हम इस पर अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से इलास्टिक को जॉइंट कर लिया है। अब हाथ से अच्छे से हम कपड़े को इस तरह से खींचेंगे, इलास्टिक को अच्छे से हम इस तरह से अंदर डालेंगे और हाथ से अच्छे से हम कपड़े को इस तरह से खींचेंगे इलास्टिक को, तो अच्छे से ये बराबर में बैठ जाता है। और अच्छे से खींचने के बाद ये जो हमारे इलास्टिक का गैदर से ही अच्छे से बन जाता है। और अब देखिए जो ये सेंटर का जो ये कपड़ा खुला है, यानी थोड़ा सा पार्ट जो ये खुला है, इसे हम सिलाई करके अच्छे से बंद कर देंगे और बिल्कुल सेंटर से अब हम सिलाई करते हुए इलास्टिक को जॉइंट करेंगे। तो पहले देखिए गैदर्स को, यानी कपड़े का जो गैदर से वो सामने की ओर पहले बना लेना है इस तरह से, और इलास्टिक को धीरे धीरे करके खींचेंगे। दोनों हाथ से एक हाथ हम पीछे की ओर लगाएंगे और एक हाथ हम सामने की ओर इस तरह से खींचेंगे और सेंटर पे बिल्कुल बराबर में हम सिलाई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमें गैदर्स को बनाना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है और देखिए गैदर्स भी अच्छे से बिल्कुल बराबर में आए हैं, यानी इसका जो चुन्नट है वो बराबर में आया है, ये देखिए। तो ये प्लाजो बन चुका है, तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ किस तरह से ये बना है। तो ये देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया है और इसका जो चुन्नट है गैदर्स है इलास्टिक की तरफ वो बिल्कुल परफेक्ट तरीका से आया है, कहीं से कोई झोल नहीं आया है, चुन्नट नहीं आया है। और ये जो आसन है इसका भी सिलाई हमने परफेक्ट तरीका से किया है। तो इस तरह से अगर आप सिलाई करेंगे तो आपका आसन की ओर खिंचाव कभी भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।